कैसे उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस आज बनाने वाले चिकन डायनामाइट। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई बॉम्ब के साथ रेसिपी बना रही हूं, ना ही। आज बनाने वाले चिकन डायनामाइट ये बस एक चाइनीज रेसिपी है, तो हमने उसके लिए क्या क्या लिया है गाइस। हमने लिया है 1 kg चिकन, आप जितना लेना आप ले सकते हैं। हमने लिया है 2 teaspoon सोया सॉस, हमने इसमें लिया है 1 teaspoon, इसमें लिया है 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। अब गैस आने वाले थे तो हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो रहा है, और अब हम उसका जो है सॉस रेडी करने वाले। तो चिकन स्टो जो हम अभी पैन में डाल दिए है, और अब हम उसे थोड़ा थोड़ा ड्राई होने के लिए रख दिए है। और हमने लिया है 1 teaspoon हनी, 1/2 cup हमने लिया है मेयोनीज, एंड हमने लिया है 3 tablespoon सॉस, सॉरी 3 teaspoon सॉस लिया है, और 1 teaspoon हमने लिया है हॉट सॉस, टमेटो सॉस। और अब हम पता क्या करेंगे, जब ये थोड़ा गाइस अब हम हमारे जो है ना ये हल्का सा ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें फुल सारे इंग्रेडिएंट्स। अब गाइस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस देखिए हमारे रेडी हो गया, इसमें बस हम थोड़ी सी हनी डाल देंगे। हम इसे अच्छे से थोड़ा और मिक्स करेंगे। हमारे सॉस रेडी हो चुका है, और अब हम हमारी जब चिकन मैरिनेट हो जाएगी हम उसे फ्राई करेंगे, फिर ये सॉस के अंदर मिक्स करेंगे। वो भी रेडी हो चुका है, अब हम इसकी ना कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो हमने लिया है 1/2 bowl हमने लिया है मैदा। और हम अब डालेंगे इसमें 1 flour 1 bowl क्या, इसमें mixed spice, इसमें लेंगे ऑरिगैनो फ्लेक्स, गाइस हमने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल दिया। और आप अब मेरा मार्बल गंदा हो गया तो आप ये नहीं देखना, ठीक है, बस आप रेसिपी देखिए। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ये सारे मसाले डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। गाइस 1 hour हो चुके हैं, और हमने हमारे जो बिरयानी का सॉरी चिकन जो है उसका मैरिनेशन हो चुका है। अब हम इसकी ना कोटिंग रेडी करेंगे। हम अभी इसकी कोटिंग रेडी कर रहे हैं, पर रात में हम इसे फ्राई करने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो हमारी इतनी लाइट नहीं दिखती और वीडियो नहीं बन पाएगा, उसकी वजह से शूटिंग नहीं हो पाएगी। उस वजह से मम्मा बोले कि अभी कर लो, हम लोग रात में फ्राई कर देंगे। गेस्ट अभी आएंगे तो हम लोग ये सब रात में देंगे, रात में सर्व करेंगे। गाइस बाजू में हमारे बिरयानी बन रही है, और आप इसकी रेसिपी अगर आपको वो जानना है तो प्लीज मेरा बर्थडे स्पेशल ब्लॉग जरूर देखिएगा, और उसे ईद भी दी। हमारे जो मेहमान है वो भी बस आने वाले थोड़ी देर में, तो हम अभी उनके लिए हमने ना उनके नाश्ते के लिए बनाए हैं ये कबाब है। आपको ये हैडग्राम टाइप लग रहे होंगे, पर ये कबाब है, और हमने उनके लिए फ्राइज भी बनाए हैं, पेरी पेरी फ्राइज। एंड अभी जो हमारा जो चिकन है उसको हम डालेंगे फ्राई करने के लिए अंदर। हमारा जो ऑयल है वो रेडी हो चुका है ऑलरेडी, इसे फ्राई करने के लिए।
से हमारे चिकन है और अब हम ये चिकन को ना अभी टर्न कर देंगे। वाह, इसका कलर कितना ब्यूटीफुल आया है गाइस, आप देख सकते हैं। गाइस हमने इसको टर्न कर दिया है, देखिए इसका कलर कितना क्यूट आया, केएफसी चिकन की जैसा आया है और कितना क्रिस्पी भी दिख रहा है ये। गाइस हमने जो जो सॉस बनाया था ना, ये वाला सॉस, तो हम ना ये चिकन जो है इसमें अभी डाल देंगे और इसे ना अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे सर्व। गाइस ये देखिए हमने सारी चिकन जो है अपनी वो निकाल चुकी है, सारी नहीं है ये, अभी पूरी नहीं डाला हमने। अब हमने इसे ना अच्छे से मिक्स करेंगे, सब चिकन को डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने ना इसको ना अभी हमारे जो बाउल है उसको हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब हम इसमें देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया। मैंने आपको बोली थी मेरे घर पे मेहमान आने वाले, तो ये देखिए मेरी कजिन आ चुकी है शानवी और अभी आपको टेस्ट करके दिखाएगी। गाइस मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं हमेशा आपको टेस्ट करके बताती हूँ, पर आज ये भी बताएगी आपको टेस्ट कर कर। गाइस बहुत ज्यादा यम्मी है। अब गाइस आपको बताएगी शार्विन कैसा बना है। सिंधा आपने बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही टेस्टफुल है। थैंक यू, वेलकम। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना कि जब भी मेरा कोई सबसे पहला वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय, अल्लाह हाफिज़।